कन्नौज में चोर बने चार छात्रों के गिरोह को पुलिस ने दबोचा। चारों दोस्त छात्र रैकी कर पहले तय करते थे टारगेट, आधी रात के बाद घर में घुसकर चोरी को देते थे अंजाम। एसओजी सर्विलांस और कोतवाली पुलिस को मिली कामयाबी। तिरबा के एक घर में 3 मई को की थी चोरी, लैपटॉप टैबलेट मोबाइल और कैश पर हाथ करते थे साफ। पकड़े गए चोर ठटिया और तिरवा के सुखापुरवा के रहने वाले। सुखापुरवा का विवेक ठटिया के शिवम अर्पित और करण के साथ मिलकर करता था चोरी। रैकी करने के लिए तिरवा में ही चारों ने किराए पर लिया था कमरा। चोरी का सामान बेचकर पूरे करते थे अपने शौक। पुलिस की तीनों टीमों ने सुखापुरवा में छापा मार कर की गिरफ्तारी। नवीन मंडी में स्ट्रॉन्ग रूम की स्थापना की गई है, जिसमें त्रिस्तरीय सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट किया गया। सबसे इनमोस्ट लेयर पे हमारा CAPS का डिप्लॉयमेंट है, इसके अलावा आउटर कॉर्डन और उसके इनर कॉर्डन भी हमारे पुलिस द्वारा सुरक्षा की जा रही है। इसमें किसी भी अनधिकृत व्यक्ति की एंट्री अलाउड नहीं है, प्रॉपर उसमें चेकिंग की जाती है। और सभी जो लगातार इसमें एक रोस्टर भी बनाया गया है, जिसमें अधिकारियों द्वारा वहाँ पे लगातार चेकिंग और निरीक्षण की कार्रवाई की जाती है। रोस्टर के अनुसार वहाँ पे चेकिंग की जाती है। मतगणना वाले दिन के लिए एक विस्तृत अलग से प्लान बनाया गया, जिसके संबंध में अलग से एक विस्तृत सूची दी गई। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।